हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? टुडे वी विल डिस्कस द लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, राइट टू कैटेगरीज ऑफ देम। फर्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एनिमल्स that live on land are called terrestrial animals। वो animals जो land पर रहते हैं उनको हम terrestrial animals कहते हैं। they walk or run on land, they have sharp teeth with pointed canines and sharp claws to catch, these are terrestrial animals। Next question is what are arboreal animals, give for example, animal that live mostly on trees are called arboreal animals, for example flying squirrel, monkey, langur, snake, these are the examples of arboreal animals। वो animals जो trees में रहते हैं उसको हम लोग arboreal animals कहते हैं। Next question is what are aerial animals, give for example, animal live mostly in the air are called aerial animals, जो animal mostly air में रहते हैं उसको aerial animals कहते हैं, for example eagle, vulture, kite, bat। First, next question is how does a whale breathe? A whale breathe through blow holes located on the top of its head। जो whales होते हैं उनके पास एक होल होती है जो उनके सर पर बनी रहती है, उसी से वो लोग ब्रीदिंग करते हैं, ओके। हाउ द whale breathes through blow holes located on the top of its head। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एम्फीबियंस, गिव फॉर एग्जांपल, पहले तो ये जान लीजिए एम्फीबियंस होते क्या हैं। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर भी रहते हैं एज वेल एज पानी में भी रहते हैं, उसको हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। एनिमल्स दैट लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस, फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, टर्टल, फ्रॉग, पेंगुइन। ये देखिए, तो ये रहा आपका चैप्टर फोर्थ का पूरा क्वेश्चन आंसर, जो आज आपका ख़त्म हो गया चैप्टर फोर। और इसको क्वेश्चन आंसर मैंने समझा दिया था, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग कर लिए थे, क्वेश्चन आंसर्स भी कल हम लोगों ने समझा था और कॉपी में भी लिख चुके होंगे आप लोग, जिसमें से दो तीन लोगों ने सेंड भी किया था मुझे। और ये आज का क्वेश्चन आंसर ये पूरा हो गया, और इसी के साथ ही आप लोग अपनी कॉपी में चैप्टर फोर हैबिटेट्स ऑफ एनिमल का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और लर्न भी करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने एक्सरसाइज भी लिखा था, एक्सरसाइज भी किया था, देखिए सारे एक्सरसाइज भी हमने किया था। चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल, पैरट फ्लाइज एट द मीडियम हाइट, बर्ड्स हैव बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलो, एनिमल दैट लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस, ये भी क्वेश्चन आंसर में भी आया था, ठीक है। ये इतना करने के बाद आप लोगों का चैप्टर फोर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड करेंगे, ओके। ओके, थैंक यू।